हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न साइंस स्टैंडर्ड 6। दिस इज द कवर पेज ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इन अ लास्ट वीडियो वी हैड लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंसी। गेट स्टार्टेड। सो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ओके, आपने खेला है हाइड एंड सीक गेम्स। ऑब्वियसली थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। ओके, थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेस? वुड यू हैव टायर्ड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? देखो, आप हाइड एंड सीक जब गेम खेलते हो तो आप ऐसी जगह छुपते हो कि जहाँ पे आप दिखे? नो, ऑब्वियसली नो। वाई? बिकॉज क्योंकि दूसरा तुरंत हमें पकड़ लेगा, है ना। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ग्लास विंडो के बाजू में छुपोगे, बिहाइंड, पीछे? नो, ऑब्वियसली नॉट। वाई? एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। तो वहाँ पे आपका फ्रेंड आपको इजीली देख सकता है और स्पॉट करेगा। ओके, तो कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? आपने देखा है दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, है ना। जिसमें से दिखता है दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, आप देख सकते हो उसके आप पीछे का कुछ भी, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके, लुक एट द पेज नंबर 4, फिगर 4.3, लुकिंग थ्रू ओपैक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल्स। सो फॉर एग्जाम्पल ग्लास, है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। शॉपकीपर्स यूजली प्रिफेयर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स। ओके, सो शॉपकीपर्स यूजली प्रिफेयर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, यही ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के कंटेनर यूज करते हैं। वाई? बिकॉज वो जो भी बायर्स है उनको ईजीली दिख सके कि उसमें क्या है। ओके, सो बिस्किट, स्वीट्स, ओके, अदर इटेबल जो है थिंग्स वो शॉपकीपर इसी में रखता है ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में। वाई? बिकॉज दैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ओके, सो देयर आर सम मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि जिससे हमें कुछ नहीं दिखता, नॉट एबल टू सी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो जिसमें से हमें नहीं दिखता उसमें क्या है, है ना, उस कंटेनर में क्या है हमें नहीं दिखता वो क्या है, ओपेक। यू कैन नॉट टेल व्हाट एस्केप्ड इज अ क्लोज वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स में पता है आपको लकड़े के डिब्बे में दिखता है हमें? नो। अ कबर्ड? नो। कार्टून, कबर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर? नहीं, मेटल कंटेनर में नहीं दिखता है। वुड कबर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ओके, सो ये क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, ओपेक मटेरियल्स के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ओके, तो डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज दे आर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं ना ओपेक और ट्रांसपेरेंट में, आप पहचान सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। तो इट इज़ योर होमवर्क। ओके, सो आपको मेकिंग अ लिस्ट ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट थिंग्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। इट इज़ योर होमवर्क, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड अ लाइटेड बल्ब। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। लुक अगेन टूवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर?
बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर इट एवरी थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल Reshape not the materials through which object can be seen but not clearly are known as transculant. Okay, तो देखो एक पेपर पे अगर आप ऑयल लगा और बल्ब के आगे पकड़ो देखो तो आपको दिखेगा है ना. ऑयल लगाया हुआ तुरंत दिख जाएगा कि इसमें ऑयल लगा है. कब दिखेगा? जब बल्ब के सामने आप दिखोगे तब. तो ये क्या है? ये ट्रांसक्यूलेंट है. रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी वेस्ट टेस्टेड फूड आइटम फॉर अ प्रेजेंट ऑफ फैट्स दैट वॉज ट्रांसक्यूलेंट टू. जब हमें फूड में कितना फैट है ने ये अगर देखना हो उसकी टेस्टिंग करनी हो तो ऐसे देखते हैं कि पेपर में एक पेपर में जो भी है फूड मटेरियल्स वो देखते हैं और उसमें अगर ऑयली पैचेस अगर दिखे उस पेपर पे तो हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या है फैट से. दैट वॉज ट्रांसक्यूलेंट टू. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल्स? आपको पता है एग्जांपल ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल के? हाँ तो आपको मुझे बताना है. ओके वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसक्यूलेंट. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. शी वॉन्ट टू क्लो. देखो आपने किया होगा ये है ना. जो टॉर्च लो और उस पर हाथ रखो क्या दिखता है बताओ. लाइट चालू करके लाइट स्विच ऑन करो और देखो क्या होगा. डस टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम. ओके वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्यूलेंट. वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफरेंट इन देयर एपरियंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. दे मे फ्लट और स्पिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसक्यूलेंट. देखो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज एन एपरियंस एंड एपरियंस हार्डनेस. दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड. ये लिक्विड मिक्स होते हैं. दे मे फ्लट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसक्यूलेंट. ये सब क्या है? मटेरियल्स. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. उनके मटेरियल के सिमिलरिटीज से डिफरेंस ऑफ ग्रुप प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके ग्रुपिंग होते हैं. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वेंशंस एट होम. वी यूजली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टूगेदर. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ दिस शॉप. All shops at another while grains and pulses are stored at some other place. देखो शॉपकीपर क्या करता है? बिस्किट अलग जगह पे, ग्रेन अलग जगह पे, पल्सेस अलग जगह पे ऐसा रखता है ना. तो वाई उसकी ग्रुपिंग बनाई जाती है. वाई क्योंकि बिस्किट का पूरा एक ही अलग अलग नेम भले ही अलग अलग है. जैसे कि गुड डे बिस्किट, पार्ले बिस्किट, वो भले ही अलग अलग बट उनकी क्या है, वो उनका क्या है, वो उनकी प्रॉपर्टी वो बिस्किट ही है ना. तो इसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से उनका ग्रुपिंग किया जाता है. ओके सो मटेरियल्स डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस. तो वो अलग अलग है. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन देयर बेसिस ऑन सिमिलरिटी. उनकी सिमिलरिटी से उनकी ग्रुपिंग होती है और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. ओके सो देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. तो इसकी प्रॉपर्टीज में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली आपको नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड में आपको डिटेल से लर्न करना देखने के लिए मिलेगा आपको. ओके स्टूडेंट understood to today's complete these chapters. Now summary. Objects around us are made of a large variety of materials.
नंबर टू, अ गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स और अ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, अलग अलग होती है. सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर आर नॉट, कुछ की अपीयरेंस की क्या होती है, शाइनी, चमकीले होते हैं कुछ कुछ मटेरियल्स और कुछ नहीं होते हैं. सम आर रफ सम स्मूथ, कुछ स्मूथ होते हैं तो कुछ रफ होते हैं. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर अस सम अदर आर सॉफ्ट. सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर अस सम अदर आर इनसोल्यूबल. ओके, कुछ सोल्यूबल होते हैं कुछ इनसोल्यूबल होते हैं. सम मटेरियल्स सच एज अ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, सम अदर सच एज अ वुड एंड मेटल आर ओपेक, सम मटेरियल आर ट्रांसक्यूलेंट. मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज और सिमिलरिटी के हिसाब से उनका क्या कहते हैं, ग्रुपिंग होता है. थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वेंसिंग एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर फोर. चैप्टर नंबर फोर कंप्लीट. थैंक यू.